आज बैठ के करने वाले आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें चक्की आसन, स्थित कोणासन, जानु सिंहासन और पश्चिमोत्तानासन, ये चार आसन हमारे लिए कमर दर्द के, घुटना दर्द से लेकर के, गाठिया सटिका से लेकर के, गैस कब्ज से लेकर के, मोटापा से लेकर के, गर्दन दर्द यानी सर्वाइकल लेस्पोंडिलाइटिस से लेकर के, रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्ति के लिए ये बैठ के करने वाले आसन बहुत ही लाभकारी हैं। तो आइए दोनों पैरों को हम खोलते हैं, सीधे कर लें, और जब आगे हम पैर को किए हैं तो इस आसन का नाम है दंड आसन। यह है दंड आसन, और दंड आसन में हमें चक्की आसन करना है। जो माताएं बहने सदियों से घर में चक्की उच्चारण करते आ रही हैं, तो आइए दोनों हाथों को हम आपस में उठा करके, पुराना है ना, सांस को भरिए और सांस को छोड़ते हुए आगे जाइए, और इस हाथ को रख दीजिए अंगूठे पर, घुटना मत उठाइएगा, और पीठ में जो खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसको महसूस करिए, कहाँ कहाँ शरीर में खिंचाव हो रहा है। जहाँ जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ वहाँ के नस नाड़ियों में जागरण हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही संयमित और संतुलित तरीके से वहाँ पर प्रारंभ होता है। तो आइए अब बाएं से दाएं की तरफ, ऐसे कोई आवाज नहीं, प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, मुंह बंद रखना है, सांस को पूरा भरना छोड़ना है, खूब सांस भरिए, चेहरे पर हल्का मुस्कान हो, हंसना नहीं है, आराम से पूरा पीछे झुक सकते हैं आप, पूरा लेट भी सकते हैं, हाँ, और आगे भी जितना जाना चाहे आप जा सकती है। ध्यान ये रखना है कि केहनी को नहीं मोड़ेंगे, केहनी नहीं मोड़ना है और घुटना को नहीं उठाना है। आगे जाए तो घुटना हमारा जमीन में सटा हुआ रहे, और पीछे जाए तो केहनी हमारा सीधा रहे। परफेक्ट यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका परफेक्ट लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए अब इसको उल्टा करते हैं, कोई आवाज नहीं। मैंने कल ही मना कर दिया था कि मुंह बंद रखना है, कोई आवाज नहीं, केवल कान सुनना है और नाक से सांस भरना है। जिनको पेट निकला है, गैस कब्ज है, भोजन पच नहीं रहा है, खट्टा डकार आ रहा है, लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, उनको ये अभ्यास करवाइए, बहुत जबरदस्त। जिनको गठिया साइटिका है, घुटने में दर्द है, कमर में समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को दूर करेगा। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, उन्हें चल जाए भैया, बड़े वाले को ले